किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मैंने ये अमरूद का जो पोर्शन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो भाग है, इसमें तीन लाइनें हैं और इसमें 8x10 पर, यानी कि 8 फीट लाइन से लाइन के बीच की दूरी और पौधे से पौधे की 10 फीट की दूरी। इसमें दो तरह के अमरूद हैं, एक है ताइवान पिंक जो 60 पौधे हैं और एक है इसमें जो थाई पिंक है और कुछ पौधे हैं इसमें VNR के। किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान पिंक की कटिंग किस प्रकार करते हैं। किसान साथियों, ये पौधा देखिए, इस पौधे में मैंने फरवरी 2020 में, करीब 10 से 15 फरवरी 2020 को इसका प्लांटेशन किया था और ये पौधा कुल 8 इंच का या 6 इंच का पौधा होगा। जब मैंने इसको लगाया था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और ये सहारनपुर से मैं लाया था कुछ पौधे और उसके बाद मुझे पता चला था कि अनिल यादव जी के पास बहुत अच्छे पौधे हैं, लेकिन चूंकि मैं लगा चुका था इसलिए मैंने इन पौधों को पाला और इनमें मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। किसान साथियों, जब मैंने इन पौधों को लगाया था तो इनमें 5 किलो के करीब जो मेरा गोबर का खाद होता है वो डाला था और इसमें थोड़ी सी फ्यूराडान 5 ग्राम के करीब मैंने डाली थी प्रति पौधे में, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इनमें नीमाटोड न आ जाए और नीमाटोड का असली पता 1 साल होते होते चलता है। किसान साथियों, मेरे को एक दो किसान ने पूछा है कि इसकी कटिंग किस प्रकार होती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ताइवान पिंक की कटिंग किस प्रकार करते हैं। किसान साथियों, ये एक पौधा है जो कि झाड़ीनुमा होता है। आप देखेंगे इसकी शाखाएं बहुत मजबूत नहीं होती और इसमें जो फुटान होती है वो बहुत होती है। ये देखिए, इस पौधे में देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ही आपकी कुछ डंडी बड़ी होगी और इसमें फुटान शुरू हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से ऊपर की टिप्स तोड़ देता हूँ। जब ये मैं तोड़ दूँगा टिप्स को, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर को वृद्धि रुक जाएगी और ये साइड वाली बहुत तेज़ी से चलेंगी और आप देखें कितना सुंदर पौधा हो गया। मैं सभी पौधे दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सारे पौधे एक से। एक अमरूद भी रोका हुआ है मैंने, ये इसको मैं देखूँगा कैसा होगा। तो ये देखें कितना बड़ा अमरूद हो चुका ये, और ये अभी 15-20 दिन में पक जाएगा। आ जाओ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। जैसे ही पौधा लगाते हैं इसमें जड़ से ही फुटान शुरू हो जाती है, तो किसान साथियों मैंने एक ये किया कि 6 से 8 इंच तक मैंने इसमें कोई भी शाखा नहीं रहने दी। ये देखें नीचे, और जब शाखाएं ऊपर को चलती हैं, मैं समय समय पर काटता रहता हूँ इनको, और जब शाखाएं ऊपर को चलती हैं तो ये अपने आप फुटान करती हैं। देखिए, एक ये शाखा थी इसकी, ये वाली, इसमें से एक ये शाखा का सर्जन हुआ और जब ये शाखा इतनी बड़ी हुई, लगभग 1.5 फीट की हुई, तो देखिए ये मैंने इसे यहाँ से टिप से तोड़ दिया था। इसे जैसे ये तोड़ा तो मैंने 2 शाखाएँ हो गई, एक ये हो गई और यहाँ पर एक फूल भी, 2 कलियाँ भी आई। इसी प्रकार इस पौधे को भी देखिए, इसको मैंने यहाँ से मतलब टिप्स तोड़ती, इनकी मैंने कटिंग कटर से नहीं की, मैं टिप्स तोड़ देता जैसे मैंने अभी तोड़ी, और यहाँ से फिर देखें कितनी शाखाएँ चल पड़ी। जैसे ये शाखा है तो मैं अब इसको टिप्स तोड़ देता हूँ इनको, ये जितनी भी होंगी ना, और ये पौधा एक बहुत अच्छा छत्रक का रूप ले लेगा। किसान साथियों, मैंने पहले भी बताया है कि कटिंग में एक नियम जरूर रखिए कि हमें पहले पौधे का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर से मतलब है कि जैसे उसकी नींव मजबूत करनी है हमारे को, यानी उसका ये जो तना है ये भार सहने लायक होना चाहिए। और इसके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो आप इनमें डंडी का सहारा दीजिए और इनको बांधिए भी, और इस प्रकार शाखाओं का चयन करते रहिए। अगर कहीं बहुत अधिक शाखाएं होंगी तो आप उनको काट दीजिए कि चारों दिशाओं में देखें। आप इसको देखेंगे तो चारों दिशाओं में मेरी शाखाएं चल रही हैं, ये देखिए। जब इनमें से बहुत अधिक कोई होंगी तो उनको मैं हटा दूंगा, और आज मैंने यही निश्चय करके आया था कि जितने पौधे हैं उनमें मैं रस्सी बांधूंगा, ये इस तरह से करके। आइए मैं आपको दूसरा पौधा, देखिए इसमें 2 शाखाएँ चल रही हैं और ये जो रस्सी बांधी थी ये थोड़ी अब हमें टाइट करनी पड़ेगी। इस रस्सी को हम थोड़ा टाइट कर देते हैं, ये देखिए, और इस पौधे को हम अच्छी तरह सहारा दे देते हैं।
इसको हम इस प्रकार कर देंगे और यहाँ पे इसको बांध देंगे। किसान साथियों, जो आपकी मुख्य शाखाएं हैं वो एक हों या दो हों, उनको आपको ये ध्यान रखना है समय समय पर कि इस तरह से उनको सीधा रखें। अगर पौधा सीधा चलेगा तो वो बहुत ही अच्छे छत्रक का कार्य लेगा। दूसरा सिद्धांत इसका यह है कि जितनी शाखाएं आपकी क्रॉस करती हों उनको हटाइए। देखिए ये कितना अच्छा पौधा है, एक ये देखिए पौधा, अब देखिए ये कितना बड़ा, कितना मजबूत इसका तना हो गया है। और मैं इनसे अगले वर्ष बरसात के अमरूद लेने की कोशिश करूँगा। मेरा इरादा है कि इनसे मैं अगले साल बरसात के भी और सर्दियों के भी अमरूद लूँगा। अगर आप देखेंगे तो अधिकतर शाखाओं की मैंने टिप्स तोड़ी हुई है। मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता, इस तरह से आप इसको टिप्स को तोड़ दीजिए। और जब टिप्स तोड़ेंगे तो इसमें जो ये फुटान है ये बहुत तेज़ी से दोनों ओर बढ़ेंगी और आपका छत्रक बनता चला जाएगा। किसान साथियों, ये मेरी तीन लाइनें हैं, एक दो और तीन। और इस खेत को पूरा देखिए आप कि ये कितना अच्छा दिखाई देता है। मेरे यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा मिलेगी, ये देखिए कितना अच्छा है सभी पौधे। आइए मैं आपको थोड़ा इसमें विचरण कराता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे पौधे हो रहे हैं। किसान साथियों, इस पौधे को देखिए कि ये पौधा कितना अच्छा है, और ज़रा इस पौधे को भी देखिए। मेरे 60 पौधों में से दो पौधे इनमें किसी कारण से मर गए थे और मैंने तुरंत उनको हटाकर दूसरे पौधे लगा दिए, और देखिए ये पौधा भी अच्छी तरह से चल गया। ये देखिए जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसकी इस शाखा को काट दूंगा और इसकी एक मुख्य शाखा रखूंगा और थोड़ी इसकी टिप्स काटने के बाद इसका छत्रक बनाऊंगा। तो आप मेरे सभी पौधे देखिए कि कितने अच्छे छत्रक बनाए हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी दो शाखाएं चल रही हैं नीचे से, ये देखिए, ये देखिए ये जो दो शाखाएं चल रही हैं दोनों मजबूत शाखाएं हैं, तो इन दोनों का आप जो है ना चयन कर सकते हैं और आपका पौधा एक बहुत अच्छा छत्रक का रूप लेगा। किसान साथियों, ये तो हुई इसमें पौधों को पालने की बात, अब मैं इनमें खाद क्या देता हूँ। किसान साथियों, मैंने बताया था कि वेस्ट डिकम्पोजर में 200 लीटर में 5 केजी डाई और 5 केजी पोटास और 5 केजी मैं इसमें सरसों की खली डालकर उसे और फिर 3 दिन तक रखता हूँ। उसके बाद उसमें 10 से 15 किलो गोबर डालता हूँ और उसको इसके चारों ओर, ये जो देखिए ये मैंने थाला बनाया हुआ है, इतनी दूरी पर देता हूँ मैं, एक एक डब्बा इसको देता हूँ मैं, और पौधे इतने अच्छे चल रहे हैं। अभी मैंने ये मैं प्रति माह इनमें देता हूँ और इनमें कोई भी और खाद मैंने नहीं दिया है। और माह में एक बार मैंने वेस्ट डिकम्पोजर भी कराया, लेकिन पता नहीं किसी कारण से इनमें थोड़ी सी मिलीबग की समस्या आई थी, तो मैंने उस टाइम उसमें डाइमेथियोट का 1 ml का स्प्रे करा दिया था और वो ठीक हो गई थी। किसान साथियों, मैं इतना परहेज नहीं करता और ये नहीं कहता कि भाई आप जो है ना 100% ये जैविक है, लेकिन करीब 70% से लेकर 80% तक मैं इनमें मतलब जैविक खाद और गोबर का खाद और आपकी जो सागरिका है इन सब का प्रयोग करता हूँ। और देखिए पौधे कितने निरोग और स्वस्थ। किसान साथियों, इस पौधे को देखिए, ये पौधा 1 साल 3 महीने का है। ये पौधा जो ग्राफ्टिंग है, जो ताइवान पिंक का ग्राफ्टिंग है वो है, और ये मैंने शैलेंद्र जी के यहाँ से लिया था। और देखिए कितना अच्छा पौधा है, और ये इसका अमरूद देखिए। अमरूद रखना और पालना ये आपके हाथ में है कि आप कितना बड़ा अमरूद करते हो। इसमें कुछ पौधे जो जयश्री नर्सरी बनारस के हैं उनसे आए थे, जैसे ये वाला पौधा देखिए, ये भी वही पौधा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और अगले वर्ष मैं इनसे अच्छी तरह से फल लेने वाला हूँ। किसान साथियों, ये जो पौधा है ये थाई पिंक है, और थाई पिंक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इसमें मैंने एक विशेष बात करी थी। इसे दिखाओ अमरूद को। किसान साथियों, ये देखिए इस अमरूद में ये दाग आए हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं दाग क्या हैं?
ये दाग अगर फल आने के बाद आपने किसी भी ऐसे जैविक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जिसमें के तम्बाकू पड़ा हुआ हो या बहुत चिपचिपा पदार्थ हो, तो ये इस तरह से हो जाता है। अंदर से बिल्कुल सही है, लेकिन ये दाग होने की वजह से इसकी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। ये थाई पिंक है किसान साथियों, ये जो थाई पिंक है इसमें मैंने दो तरह के पौधे देखे हैं। ये देखिए डंडी टूट गई इसकी है, इसमें गोल अमरूद भी लगते हैं, ये देखिए इस तरह के गोल अमरूद भी आते हैं और थोड़े से बल्ब के आकार के अमरूद भी आते हैं। किसान साथियों, ये जो पौधा है ये पौधा VNR का है। इसकी शाखाएं देखकर ही आपको लग जाएगा ये पौधा VNR का है, और अगले साल मैं इनमें आपको एक एक किलो के अमरूद लेकर दिखाऊंगा। इन्हीं पौधों को ध्यान रखना कि आप पौधे यही होंगे और अमरूद इसमें बड़े बड़े होंगे, इसलिए मैं आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, पौधे छोटे थे तो मैंने इनमें बहुत कम अमरूद रखा है। ये भी देखिए, ये ताइवान पिंक है, ये ग्राफ्टेड पौधा है जो जयश्री नर्सरी बनारस से मैंने लिया था, और इसमें काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं जो सर्दियों के फल होंगे। किसान साथियों, ये देखो ये पौधा, ये देखिए कितना अच्छा पौधा है, ये VNR का पौधा है। कितने अच्छे अमरूद हैं, कितने बड़े बड़े अमरूद हैं। आज मैं इन्हें तोड़ूंगा, और मेरे शहर में, मैं देहरादून में रहता हूँ, वहाँ के जब मैंने कुछ अपनी कॉलोनी में खिलाए तो सबने पसंद किया, और उन्होंने कहा कि हमें रोज़ कम से कम एक किलो अमरूद भेजा कीजिए। किसान साथियों, ये देखिए छोटा सा पौधा और कितना गुच्छों में अमरूद है, लेकिन ये उसी के कारण ये ख़राब हो गया, और इसमें भरपूर मात्रा में, आप इस पौधे को देखिए इसमें कितना फल आया हुआ। ये सर्दियों का फल है, और ये बरसात का फल जो है, उधर चलो उधर उधर दिखाओ, और ये देखिए ये बरसात का फल है, कितना अच्छा फल आया गया है इसमें। बड़े बड़े अमरूद की मार्केट में बहुत डिमांड होती है। किसान साथियों, मैंने आज आपको अपने बाग का वो भाग दिखाया जो मैंने स्पेशली हाई डेंसिटी के लिए बनाया था, और मैं इसमें अगले साल आपको दिखाऊँगा कि कितने बड़े बड़े, कितने स्वस्थ और बिना किसी दाग के अमरूद मैं लूँगा। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं, और इस बारे में आप क्या और जानकारी चाहते हैं ये मुझे लिख कर बताएं कमेंट्स में, तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उन सब के उत्तर देने की। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।